आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नशा मुक्ति अभियान व गश्त के दौरान चैनपुर पुलिस की अवैध शराब तस्कर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब का परिवहन करते एक आरोपी गिरफ्तार। देशी प्लेन मदिरा शराब की 29 पेटी, बॉम्बे विस्की शराब की 13 पेटी एवं लेमोंट कंपनी बियर 45 पेटी। इस प्रकार कुल 918 लीटर अवैध शराब जब्त। जब्त अवैध शराब की अनुमानित कीमत 2,26,000 रुपए। परिवहन में उपयोग की गई बिना नंबर पिकअप वाहन भी की गई जब्त। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के उपरांत अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण जोन इंदौर श्री राकेश गुप्ता जी, पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन श्री तिलक सिंह जी व पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री धर्मवीर सिंह जी के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थानों को अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ आदि के भंडारण परिवहन करने वालों के विरुद्ध नशा मुक्ति अभियान व विशेष कॉम्बिंग गश्त चेकिंग के दौरान कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके चलते थाना चैनपुर की अवैध शराब तस्कर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। दिनांक 10 एवं 11 दिसंबर के दरमियानी रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक बिना नंबर की सफेद रंग की लोडिंग पिकअप वाहन में अवैध शराब भरकर खोई तरफ से झिरनिया तरफ लेकर आ रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभारी थाना चैनपुर निरीक्षक निर्मल कुमार श्रीवास के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर पुलिस टीम को मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार ग्राम खोई हेतु रवाना हुए, जहां रास्ते में पीपरी ग्राम के आगे एक पिकअप वाहन खारवा तरफ से आती हुई दिखी, जिसे रोकने का प्रयास करने पर पिकअप वाहन चालक द्वारा वाहन को तेज गति से भगाने लगा, जिसका पीछा किया व ग्राम पीपरी में हनुमान मंदिर पास रोका, जिसका चालक पिकअप वाहन से उतरकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रोका गया। पुलिस टीम द्वारा उक्त पकड़े गए व्यक्ति से उसका नाम पूछने पर अपना नाम विजू पिता बंशी जाति भील उम्र 22 साल निवासी ग्राम बलखड़ का होना बताया। पिकअप वाहन में रखी शराब के बारे में पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी विजू को गिरफ्तार कर थाना चैनपुर में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में क्रमशः अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भिकनगांव श्री संजू चौहान एवं थाना प्रभारी चैनपुर निरीक्षक श्री निर्मल कुमार श्रीवास के नेतृत्व में उप निरीक्षक करण राज सिंह राठौर, सहायक उप निरीक्षक दुर्गेश विश्वकर्मा, सहायक उप निरीक्षक कमल चौहान, सहायक उप निरीक्षक आशीष जाधव, आरक्षक 649 शशांक, आरक्षक 606 आसिफ खान, आरक्षक 1014 राहुल, आरक्षक 255 आनंद का विशेष सहयोग रहा। आजाद न्यूज के लिए झिरनिया से सेठी हिरवे की रिपोर्ट। सर क्या कार्रवाई करी थी कल? दिनांक 10 दिसंबर की रात्रि में कॉम्बिंग गश्त संपूर्ण मध्य प्रदेश में श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा चलाया गया था, जिसके तारतम्य में थाना चैनपुर द्वारा भी कॉम्बिंग गश्त में सर्चिंग की गई थी। सर्चिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक बिना नंबर की पिकअप जो ग्राम पीपरी तरफ से आ रही है, जिसमें काफ़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब अवैध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही है। सूचना पर तत्काल चैनपुर पुलिस को वहाँ पर रवाना किया गया और सूचना पर एक पिकअप जिसमें देसी विदेशी कुल मिलाकर 87 पेटियां मिली हैं, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है, जिसे पकड़कर जब्त किया गया है। शराब भी जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। ठीक है सर।